वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयि वेदस्यमवाणिस्सह श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् सन् दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार कंदर्प गणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम श्रीराम 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 श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम 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 श्रीराम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कल दल गंजन श्री राम 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 जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम जय सियाराम जय राजा राम जय श्री राम। अतुलित बलधाम एम शैलावदेयम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धनुषयज्ञ सुनिरघुकुलनाथा धनुषयज्ञ सुनि रघुकुलनाथा हर्षि चले मुनि बर के साथा आश्रम एक दीख जग माही आश्रम एक दीख जग माही खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु दे की, पूछा मुनि शिला प्रभु दे की, सकल कथा मुनि कथा विशेषी। गौतम नारी शाप बस उपल देह दरिधि चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवी। पर सत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रे अति प्रेम वधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़ भागी करनन लागी जुगल नहीं
जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना प्रभुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघु मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरणैयाई मुनि साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में जाना देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना भी प्रभु मोरी मैं मति बोरी नाथ नमा बरवाना बदन परागार सवनुरागा मम मन मधुपग पद सुर सरिता परम उनीता प्रगट बहिश सोई पद मम सिर धरे कृपाल हरि ऐ भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा गयति लोक आनंद अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते भजो छाड़ कपट जंजाल सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सो इन छह दिनों में आपने देखा विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर एक आश्रम में आए और उस आश्रम में एकदम सुनसान पड़ा था जहाँ कोई जीव जंतु कोई हरियाली नहीं दिख रही थी और भगवान राम ने उसकी कथा पूछी। विश्वामित्र जी ने उसकी पूरी कथा बताई कि गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये स्थिति हो गई, ये इनकी पत्नी अहिल्या है। और कल हम लोगों ने क्रमशः एक एक शब्द छंद के देखे तो मूल बात ये पकड़ के रखिएगा, अहिल्या प्रस्तर नहीं थी, प्रस्तर वत थी। इसको मैंने कल कहा आपसे, वाह्य संज्ञा शून्य हो गई थी, अब उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता था, ना देश का, ना काल का, ना मौसम का, किसी चीज का उसको कोई भान नहीं, सिर्फ समाधि में मग्न थी। लेकिन उसके अंदर धैर्य की वृत्ति थी और भगवान की प्रतीक्षा थी। भगवान ने अपने चरण कमल से उसको तप पुंज जो नारी थी उसको अपने सजीव कर दिया। तो कल हम लोगों ने देखा अति निर्मल वाणी, कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, ये मिल गया आपको, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य। देखो जी, कल मैं कह रहा था वाणी का मल है, मन जैसे निर्मल होता है वैसे वाणी भी निर्मल होती है।
बोले वाणी निर्मल क्या है? जिस वाणी में द्वेष की वृत्ति नहीं है, जिस वाणी में अहंकार नहीं है, वो वाणी समझना कैसा है? निर्मल वाणी है। जिसमें छल नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, वो वाणी समझना कि निर्मल वाणी है। तो प्रातः काल में मैं आपको दिखा रहा था, काय वांग मनः कार्यम उत्तमम्। वाणी को यदि आपको श्रृंगारित करना हो और वाणी को प्रभावकारी बनाना हो, गए और थोड़ा ज़्यादा बोलूं, पतंजलि योग सूत्र कहता है यदि आपको वाक सिद्धि चाहिए, यदि वाक सिद्धि चाहिए तो पतंजलि ऋषि का कहना है आप सत्य बोलो, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जितना वाणी में सत्य होगा उतनी वाणी सिद्ध होती चली जाएगी, उतना ही वाणी में सरस्वती का निवास होगा। तो मैं सिर्फ वाणी के लिए आपको तीन बातें कहूंगा और एक दोहा कहूंगा। पहली बात, मैं प्रातः काल बीसी को कह रहा था यही कम्युनिकेशन स्किल है। एक व्यक्ति एक बात बोलता है उसका असर नहीं होता, वही बात कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वही शब्द होते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति को झंकृत कर जाता है, उसका मस्तिष्क हिल जाता है, तो ऐसा क्या बोला उसने, और शब्द तो वही थे। जी साहब, शब्द वही थे लेकिन जिस जिह्वा से वो शब्द निकल रहे थे ना, वो सिद्ध जिह्वा थी, वो अंदर का उसका तप था। तो वही शब्द दूसरा व्यक्ति बोले तो कोई असर नहीं होता, कोई और साधु बोल दे तो बड़ा असर हो जाता है क्योंकि उसने वाणी को सिद्ध किया है। तो जब भी बोलिए, देखो पहला एक बहुत सरल सिद्धांत है जो आपने पढ़ा कबीर के दोहे में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। मैं इसको मॉडर्न लैंग्वेज में बोलता हूँ, ऐसी वाणी बोलिए कैसी, ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए ना दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाए। सी, ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी है, डायबिटीज बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारण। अब क्या बोलूं मैं आपसे, व्यक्ति बोल के चला जाता है लेकिन आपको पता है दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, ऐसा शब्द क्यों बोला आपने, और वो व्यक्ति भी शांत नहीं रहेगा। ध्यान रखना, आपने अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ा लिया है और दूसरे का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। तो इसको कबीर ने बोला ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, फिर औरन को शीतल, शीतल मतलब गर्म नहीं करना है और अपना भी अपना गर्म नहीं होना है। तो ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, हाँ जी, ना दूसरे का, है ना। कल मैंने, आज भी मैं प्रातः काल कह रहा था, यही हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी रही। देखिए मैं फिर से उस बात को रखता हूँ, शायद आप तक पहुंचे। पहला तो वाणी में सत्य होना चाहिए, वही वाणी सिद्ध होगी। अब आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने प्रातः काल भी रहा, हमारे पूज्य गुरुजी इस पे खूब जोर देते थे और हम लोगों की बहुत धुनाई हुई इस बात पे मेरी, हम तो खूब कूटे गए हैं, कम के जम के मारा, जो प्रवचन करने वाले होते खूब कूटे जाते हैं उनसे। जनरली समाज में ऐसी बात है कि सच कड़वा होता है, जैसा आपने बोला सच, मैं आपसे कहता हूं सच बोलने का ढंग कड़वा है, सच कड़वा नहीं है। इसको समझिए जरा, ये क्या कहा जा रहा है, सच जिस अभिव्यक्ति में बोला जा रहा है, सच जिस शैली में बोला जा रहा है, सच जिस एनवायरनमेंट में बोला जा रहा है, वो एनवायरनमेंट, वो शब्दावली, वो भावांजलि, वो गलत है। मान लें
मैंने आपको कहीं यहाँ पे ही बोला होगा फर्स्ट डे, मुझे ऐसा याद आता है कि हमारे माता पिताजी, स्पेशली पिताजी, जब हम कहीं से रात में लौटे और लेट रात में लौटे, या क्रिकेट ज़्यादा खेल लिए, या किसी यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ज़्यादा मिल मिला लिए, ऐसा कुछ होता था जवानी, तो वो जब लेट आते थे तो आपको पता है शब्दावली क्या प्रयोग करते थे? आइए 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 साहब, बहुत थक गए होंगे, सुनते हो भाई, इनके लिए थोड़ा सा चाय कॉफ़ी बनाया जाए, चलिए हाथ पैर धुलाएं आपके, चलिए चलिए इनके लिए बिस्तर साफ किया जाए, बिठाया जाए, बहुत थक गए होंगे महाराज जी, आ जाइए, बहुत काम किया दिन भर इन्होंने, अब भोजन थोड़ा सा लगाया जाए आपके लिए। ये क्या हो रहा है? ये पिटाई हो रही है, अब ये ऐसी पिटाई हो रही है, मतलब जम जम के मन पे लग रही है, रात भर कोसे चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, ना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ चोट लगनी चाहिए। अच्छा एक ये भी शहरी, आओ बेवकूफ कहीं के नालायक, दे मैं निकल दूंगा घर से तेरे को, ये भी एक शैली थी। इस शैली का प्रयोग नहीं किया, सच को गर्मी के साथ क्यों बोला जा रहा है? सच सत्य बोलिए ना, और प्यार से बोलिए, इसलिए मैंने आपसे कह रहा हूं, और आप इस पर रिसर्च कीजिए, खूब संज्ञा कीजिए कि सच बोलने का ढंग कड़वा है, सच कड़वा नहीं है। आप अपने शब्दों का चयन ऐसा कर देते हैं और ऐसी जगह उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति इरिटेट हो गया आपसे बोल के। महाराज जी सच कभी भी कड़वा नहीं होता, इसलिए वार्निंग का जो पहला श्रृंगार है वो सत्य है, सत्यम ब्रूयात। दूसरा वाणी में जो भी सत्य बोलिए वो प्रियकारी होना चाहिए, थोड़ा शब्द को यूज करना सीखिए ना, सत्यम प्रियम, तो सत्य होवे वो प्रियकारी होवे, और हितम ऐसा बोलिए कि दूसरे का हित होना चाहिए, अगर वो हितकारी नहीं है तो फिर अनर्थकारी है। सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम, और उसमें भी आप मुझसे बोलिए तो मैं इन तीनों को भी एक करे दे रहा हूं, सबसे अच्छा है कम बोलिए, झगड़े की जड़ ही नहीं रहेगी। आपसे लाख रुपए की बात बताऊं जी, झगड़े की जो जड़ होती है जी वो ज्यादा बोलना है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो भाई भाई होवे जी, चाहे वो भाई बहन होवे, जहां हम ज्यादा बोलते हैं यस स्टार्ट। ये इसलिए कह रहा हूं, ये वाणी के मल हैं, वाणी दंभ पूर्वक निकल रही है, वाणी अहंकार पूर्वक निकल रही है, दिख रहा है कि आपकी वाणी से अहंकार टपक रहा है। अहिल्या की वाणी ऐसी वाणी नहीं थी, कैसी वाणी थी? अति निर्मल वाणी, कोई अहंकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अस्तुति ठानी, हाथ जोड़कर भगवान के सामने स्तुति कर रही है, और क्या कहती? ज्ञान गम्य जय रघुराई, भगवान ज्ञान के जरिए से गम्य है, भगवान को ज्ञान के जरिए से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वो सच्चिदानंद है। कल मैं आपसे बोला था ददामि बुद्धि योगम तम ये न उपमाम उपयान्ति, ये न मतलब बुद्धि योगे न माम उपयान्ति ते उपयान्ति कथम ज्ञान योगेना, वो ज्ञान के जरिए से मुझको प्राप्त कर सकता है। अहिल्या भी यही कह रही है, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन, मैं तो अपवित्र हूं, मैं आज आपको ये भी बोलूंगा ये क्यों अपवित्र बोल रही है,
आखिरी में बताऊंगा। मैं नारी पाप, मुझसे पाप हो गया है तो मैं अपवित्र तो हूं ही। खैर मान ले रही है मुझसे पाप हो गया है, मैं पवित्र तो हुई नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। मैं नारी पावन प्रभु जग, लेकिन आप कैसे हैं? प्रभु जग पावन रावण रिपु। और देख लिया कल मैं कह रहा था ये तपस्या का फल है, भविष्य भी उसको दिख रहा है कि आप रावण का क्या करेंगे, वध करेंगे, रावण से आपकी शत्रुता होएगी। ये तपस्या का फल है। जो वो अंतर्मुखी हो गई थी, जो वाह्य संज्ञा शून्य हो गई थी, आज उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। किस बात की? वो भविष्य भी देख ले रही है कि आपकी भविष्य में रावण से दुश्मनी होगी और उस दुश्मनी के कारण आप में विजय प्राप्त लेंगे और इस विजय से दुनिया बहुत प्रसन्न होएगी। क्या लिखती है, क्या बोलती? रावण रिपु जन सुखदाई, लोगों को बहुत पसंद आएगा, जन सुखदाई। अच्छा आ गया जी, राजीव विलोचन, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। भगवान के नेत्रों में असंगता है, इसलिए भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। और अति भल कीना, अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझको श्राप दे दिया, ये अच्छा हुआ। भल कीना, अवधि में भल मतलब होता है अच्छा किया कि मुझे श्राप दे दिया। ओहो श्राप दे दिया, बोले इसलिए मैं कल कह रहा था जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। वो कहती है अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया, अति भल कीना, किसने? मेरे मालिक, मेरे प्रभु ने मुझे श्राप दिलवा दिया, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, मैंने तो श्राप को अनुग्रह माना, कृपा कर दी मेरे ऊपर कि कम से कम मुझे श्राप तो दे दिया। आहा, अच्छा अब यहाँ से देखिए, कल यहाँ से मैंने छोड़ा था, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मिल रहा है सबको? मिल रहा है ना सबको? विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगहुं बरवाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपकरे पाना। विनती प्रभु मेरी, हे भगवान मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर विनती है। क्या विनती है? मैं बहुत चालाक नहीं हूँ, आई एम नॉट टू मच स्मार्ट, मेरी बुद्धि स्मार्ट नहीं है, मैं भोली हूँ, मति भोली। देख रहे हैं मेरी जो मति है वो कैसी? भोरी, भोरी मतलब भोली है, सिंपल मानस, मुझे स्मार्टनेस नहीं पता भगवान। अच्छा क्या कहना चाहती हूँ? नाथन मांगहुं बरवाना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज छोड़कर। सी क्या नहीं मांग सकती थी? क्या बोल रही है? न मांगहुं बरवाना, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, ले ये मेरी विनती है। मानो कि भगवान कहते हैं कोई तो वर मांग लो, तो बोलती है मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, पद कमल परागा रस अनुरागा। ये देखो मुझे बस एक चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए? मुझे सिर्फ आपकी चरण रति चाहिए। ये देखो क्या लिखा है, पद कमल परागा, पद मतलब पैर, मुझे तो आपके चरणों की धूली में रति चाहिए। वाह, मतलब सिंपल भाषा में क्या कहूं, चरण रति चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई वर नहीं चाहिए।
देखो भैया, जिसको भक्ति की भाषा में आप चरण रति बोलते हैं, जिसको भक्ति की भाषा में चरण रति बोलते हैं, उसी को एकदम ज्ञान की भाषा में आत्मरति बोलते हैं। दोनों चीजें एक होगी, सावधानी से समझना। जिसको भक्ति की भाषा में चरण रति बोलते हैं, वो ज्ञान की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आत्मरति। अच्छा, ये भी देख लेना, आत्मज्ञान होना अलग है और आत्मरति होना अलग है, दो अलग अलग चीजें। ज्ञान तो हम लोगों को भी है, ज्ञान तो हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोगों के जीवन में आत्मरति नहीं है। पकड़ में आ रहे हैं? दो चीजें, आत्मज्ञान होना अलग है और आत्मरति होना अलग है। वो रस होवे, वो रमण होवे, वो रति होवे किसमें? उस ज्ञान के तत्व में। वाह महाराज, ये रस सब में होता नहीं है। क्या कहूं आपको? बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो रस बुद्धि है ना, वो कहीं और है। और सरल बोल दूं, हम भले ही आत्मा आत्मा भगवान भगवान कहते हैं, हमारी जो तृप्ति होती है ना, वो इंद्रियों में ही जाके होती है। भले आत्मा आत्मा बोलते रहें या ईश्वर ईश्वर बोलते रहें, हम जो तृप्त होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इंद्रियों। इंद्रियां मतलब भोग के स्तर पर ही जाके तृप्त होते हैं। और देखो, सब ध्यान से सुनने तो आपको और पता ना, इंद्रिय के भोग में दोष ही दोष है। और ये साधक समझ नहीं पाता, इंद्रिय के मिलने वाले रस में, इंद्रिय के मिलने वाले रति में, हाँ जी, इंद्रिय के मिलने वाले रमण में दोष ही दोष है। महाराज क्या दोष है? क्या दोष कहोगे? अच्छा, आत्मरति में और इंद्रिय भोग दोष में क्या कहेंगे? रति, हाँ, वेरी गुड। एक जो पहला दोष है बहुत हल्का है, कौन? इंद्रिय का। जो इंद्रिय जोड़ने से जो हम लोग भोग कर रहे हैं, वो खा लिया, वो पी लिया, उसके साथ रह लिए, उसको देख लिया, जरा सा इंद्रिय का भोग कर लिया, महाराज ये बहुत हल्का है। लेकिन आत्मा का जो सुख है महाराज, हो बड़ा गाढ़ा सुख है। इतना गाढ़ा सुख है आपसे बताऊं कि उस आत्मरस में लेने के बाद व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का शरीर, हो वो भी बदला हुआ सा नजर आता है। दृष्टांत तो यही कहूं, सुषुप्ति है। जिस दिन व्यक्ति की अच्छी नींद हो गई महाराज, उसकी आवाज में खनक है, खनक, समझ में आता है कि इसकी नींद अच्छी हुई। उसका चेहरा चमक जाता है, उसकी वाणी में तेज आ जाता है, उसकी आंखों में तेज है। कहाँ से आया? बोले उसी से आया है। इंद्रिय के जो भोगी लोग हैं महाराज, क्या बोलूं, कठोपनिषद, आप कठोपनिषद पढ़ाए हैं? लोगों को पढ़ाया है हमने, तो वहां क्या आया है इंद्रिय तेज के लिए? शोभाव मर्तस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेज अपि सर्वम जीवित अल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। शोभाव, मर जाएगा ये सुख, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इंद्रिय का सुख क्या है? चाटा और उस समय बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद फिर गया, फिर खाया, फिर मिला, फिर गया। जरयंति तेज, आपकी इंद्रियों का तेज हर लेगा। कौन? इंद्रिय सुख।
तो मैं यदि गिनाऊं तो मैं ऐसा कहूं कि बहुत हल्का सुख है। कौन सा? इंद्रिय सुख बहुत हल्का है। अच्छा, दूसरा मतलब महाराज, विषयों के सुख में यदि मुझे सुखी होना है तो अब किसी की गुलामी चाहिए। गुरुदेव इसको ऐसा बोलते थे, अपने हैप्पीनेस की चाबी हमने दूसरे की पॉकेट में रख दी है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोला मैंने? अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के पॉकेट में। अब आपको प्रसन्न होना है तो क्या, तो वो पर्सन चाहिए। क्यों? चाबी किसके पास है? तो आप करो गुलामी। विषयों का जो सुख है महाराज, वो गुलामी का सुख है। सदैव गुलाम रहोगे यदि किसी से सुख पाओगे। सॉरी, ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो सच्चाई हो बोल रहा हूं। यदि किसी के कारण सुखी हो तो जिंदगी भर आप गुलाम रहोगे, और गुलामी में कभी सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं। कर लो आप गुलामी का सुख। जब वो मिलेगा, जब वो मुझे बोलेगा, जब वो मुझे देगा, जब मुझे ऐसे देखेगा, तब मैं सुखी होऊंगा। तो रहो, फिर दूसरे ऊपर आश्रित रहो आप। दूसरा आपको नचाता रहेगा, आप नाचते रहो बस। यदि आपको लगता है कि मेरा सुख किसी पर आश्रित है, पुत्र पर भी आश्रित है, तो देखते रहो आप उसको, कब बोलेगा तब मैं खुश होऊंगा। आत्मरति का सुख अलग है, और इंद्रिय जो विषय की रति है, विषय का जो रमण है, उसमें हल्कापन है महाराज। और हल्कापन ही नहीं है, उसमें पराधीनता बहुत है, गुलामी बहुत है। तो तीसरा, जैसे आपने बोला मन है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, अल्प समय, ऐसा सुख लेके क्या करेंगे? मैं इसको बांट देता हूं और फिर वहां तक पहुंचता हूं। सबसे पहला जो सुख है व्यक्ति का, वो विषयों का सुख है। इसको बोलते हैं विषय रति, विषयों का आनंद। ठीक है, जो हम लोग ले रहे हैं उसी से हम लोगों को तृप्ति हो रही है, इसीलिए हम लोग उस दुकान पे नहीं जाते। कौन सी दुकान पे? आत्मरति वाली, क्योंकि हमारी पूर्ति किससे हो जाती है? तो फिर बोले क्यों करना, जब हमको मिल ही जाता है, ठीक है फिर आप यहीं से लो। इससे भी एक सूक्ष्म सुख है, विषयों से भी सूक्ष्म सुख है, उसका नाम है भावना का सुख। जहां विषय नहीं है, जहां विषय नहीं है लेकिन भावना का सुख है। जैसे एक माता अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए क्या नहीं करती। रात में गिले में भी सो रही है, भूखे भी सो रही है, कष्ट में भी सो रही है। पिता मोटा अनाज खाता है, मोटा कपड़ा पहनता है, किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसको आनंद किसका मिल रहा है? कि मेरा लड़का खुश है, मेरा लड़का खुश है, उसको देखकर मैं भी खुश हूं। सी, ये जो आनंद है ये विषयों का आनंद नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका आनंद है? भावना का आनंद। कम से कम इसमें शरीर की तो बलि चढ़ गई, विषयों की बलि चढ़ गई, लेकिन ये भावना जन्य आनंद है। और भावना जन्य आनंद की एक शर्त ये है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी ऐसा रहेगा कभी ऐसा रहेगा, कभी बड़ा दिन अच्छा हो जाएगा कभी फिर ऐसा जाएगा, ऐसे ऐसे एक जैसा नहीं रह सकता। ये कैसा आनंद हो गया? भावना जन्य। एक और अच्छा आनंद है, वो थोड़ा इन सबसे बेस्ट आनंद है।
वो है बौद्धिक आनंद। किस किस आनंद की बात की मैंने? पहला आनंद विषय आनंद, दूसरा आनंद भावना का आनंद, तीसरा आनंद बौद्धिक आनंद। बोले ये क्या है? बोले महाराज ये तो शास्त्र पढ़ने वालों को मिल सकता है, जिनकी बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, उनको ये मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये बहुत टिकाऊ है, ओहो, अन्यों की तुलना में ये भी कोई अंतिम नहीं है, ध्यान रखना, ये अंतिम नहीं, लेकिन ये बहुत टिकाऊ है। एक विचार भी अगर नया मिल जाए, आहा, तो आप हमसे पूछिए, मजा आ जाता है कि अगर आप पंक्ति दोहराओ और उस पंक्ति के दोहराने दोहराने में कोई अर्थ भगवान ने प्रकट कर दिया मस्तिष्क में, तो लगता है आज तो दिन बन गया, आज ये सूत्र मिल गया। अब उस सूत्र के सुख की तुलना अब भोजन के आनंद से और भावना के आनंद से नहीं कर सकते। ये बौद्धिक आनंद है। मैं दृष्टांत देता हूँ, मुझे दृष्टांत बहुत अच्छा लगा इसलिए आपको जरूर सुनाऊंगा। एक विद्वान हुए, मुझे जहाँ तक नाम याद आ रहा है, वाचस्पति मिश्र हैं शायद। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर एक टीका लिखी। ब्रह्म सूत्र, अब नाम आपसे परिचित करा रहा हूँ, मतलब विद्वानों का ग्रंथ है और जो तोड़फोड़ होती है उसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी टीका लिख रहे थे वो ऋषि, उनका विवाह हो गया था और टीका लिखने बैठे। 9 साल तक वो टीका लिखते रहे, 9 साल तक टीका लिखते रहे। 9 साल बाद जब टीका समाप्त हुई तो उनकी पत्नी तो डेली ही दिया बत्ती करती थी, बत्ती जलाती थी, तेल डालती थी उसमें, तभी तो लिखते थे वो। तो जब वो टीका समाप्त हुई तो उसने फिर से वो दिया बत्ती की, तो इन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? सी 9 साल तक उसने किया, झूठ नहीं है मैं बता रहा हूँ आप, 9 साल तक वो स्त्री बैठी रही, इनकी सेवा करती रही, दिया में तेल बत्ती डालती रही, लेकिन ये व्यक्ति, ये मुनि, ये साधु, एक टक इसकी निगाह में क्या चल रहा है? ब्रह्मसूत्र। 9 साल तक पूछते, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई? तो बोलती, मुनिवर मैं आपकी स्त्री हूं, मेरा नाम भानुमती है, आपने मुझसे विवाह किया था। ओहो, बोले मैंने तुमसे विवाह किया था, इतनी तपस्या। तो बोलते हैं, ये तपस्या तो तुमने की है, मैंने तो कोई तपस्या नहीं की। 9 साल तक जो स्त्री, विवाहित स्त्री ऐसे बैठे रही और मैं पहचान नहीं रहा हूं, तो तुमने तपस्या की है, इसलिए इस टीका का नाम भामती टीका रखा जाएगा। उसका नाम क्या था? भानुमती। तो उस टीका का नाम ही क्या रख दिया पता है? भामती। आज जो विद्वान लोग पढ़ते हैं भामती टीका, तो वो जो पढ़ने वाले जानते हैं, वो टीका पढ़ना आसान नहीं होती भामती टीका। उन मिश्र महोदय ने अपनी पत्नी के नाम पर ही क्या कर दी? टीका रख दी। ये कौन सा आनंद है? बोलिए ना, ये महाराज जी बौद्धिक आनंद है। कहीं खोया होता है ऐसा व्यक्ति, वैसे जैसे वैज्ञानिक, वो किस आनंद में है व्यस्त हैं? फिलोसोफर्स, जैसे मैं और आपको ये दो दृष्टांत देता हूँ। अच्छा, एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन, आपने सुना है सबने नाम आइंस्टीन का। आइंस्टीन रेल से सफर कर रहे थे, ट्रेन से सफर करने पर जब टीसी आया तो उसने बोला, सर टिकट लाइए,
तो बोले हाँ हाँ टिकट। अब उन्होंने पूरी जेब हाथ पैर सब ढांढ डाला, टिकट पता नहीं कहाँ चला गया, टिकट मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो गए। टीसी ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कौन नहीं जानता, आप आइंस्टीन हैं, कोई बात नहीं, आपसे मुझे टिकट नहीं चाहिए। आइंस्टीन ने कहा कि बात ये नहीं कि आपको टिकट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, वो टिकट में ही लिखा था कि मुझे कहाँ जाना है, सी इसलिए मुझे टिकट चाहिए। ये दशा है चित्त की कि मुझे कहाँ जाना है ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो खोया हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसे ही तीसरा दृष्टांत न्यूटन का भी आता है। न्यूटन का जो कुक था वो एक दिन छुट्टी पे जा रहा था। उसने बोला कि मैं सर आपके लिए सब कुछ करके जा रहा हूँ, बस आप इतना ही कीजिएगा कि ये अंडे को सिर्फ पानी में उबाल लीजिएगा और सब रेडी है, अंडे को पानी में उबाल लीजिएगा, इतना कर लीजिए और सब रेडी करके जा रहा हूँ मैं। न्यूटन का दिमाग कहीं और लगा रहता। उन्होंने बोलते हैं अपनी चाबी का गुच्छा उसमें डाल दिया, किसमें, अंडे की जगह, और उसको उबाल रहे थे वो। किसी ने बताया सर ये क्या कर रहे हैं, बोले अंडे उबाल रहा हूं, चाबी उबल रही है। आप इसको कह सकते हैं कि ये पागल है, जी वो पागल नहीं है, पागल नहीं है। ऋषि मुनि ऐसे ही बौद्धिक आनंद में व्यस्त थे। शरीर का आनंद अलग है, भावना का आनंद अलग है हमारा, और जो बुद्धि का आनंद है वो इनसे, इन बुद्धि के आनंद से इससे भी सूक्ष्म एक और आनंद है। वो आनंद किसका है, बोलते हैं वो साधना का आनंद है, वो साधना का आनंद है। और उस साधना के आनंद में भी फिर उसके ऊपर एक और आनंद जाता है, उसका नाम है आत्मरति, आत्मक्रीड़ा। यस्त्वात्म प्रतिदेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। जिसको ये मिल गई तस्य कार्यम न विद्यते, उसके जीवन में कोई कार्य शेष नहीं रहता यदि किसी को यह आत्मरति प्राप्त हो गई तो। अब आप ये देखो कि हम लोग किस आनंद में हैं, ये अपना चेक कर लो महाराज, कौन सा आनंद आपको दिखा है। यह तो आपको विषयों का आनंद मिल रहा है, यह तो भावना के आनंद में व्यस्त हैं, यह तो फिर रेयर हुआ तो बौद्धिक आनंद है, बौद्धिक आनंद के ऊपर साधना का आनंद है, और उसके बाद आत्मरति। ये क्या मांग रही है, फिर से पढ़ना, ये क्या मांग रही, विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी नाथ न मांगूं बरवाना। मिला पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जैसे भौरा उसके आसपास घूमता रहता है, ऐसे ही मुझे आत्मरमण चाहिए, मुझे चरण रति चाहिए कि मैं आपके आसपास करता रहूं, घूमती रहूं। अच्छा आगे बढ़े हैं भाई, जेहि पद सुर सरिता परम प्रगट भई शिव शीष धरी, जेहि पद पंकज जेहि पूजत वज मम सिर धरेहु कृपाल। आपने उनके चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सिर पर संभाल के रखा है। जी पद पंकज, जिसने आपके चरणों को पूजा, ये क्या कहना चाह रहे हैं,
इसका अर्थ समझ में आता है। जब भागवत में वामन अवतार में भगवान ने अपना एक पैर कहाँ रख दिया था, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, ओ हो ये किसका चरण आ गया, तो भगवान का चरण है। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों का क्या किया, प्रक्षालन किया, और उस चरण के प्रक्षालन को उन्होंने कमंडल में रख लिया। और वो जो जल था, उसी जल से कौन निकली पता है, गंगा जी। मिल रहा है अभी इसका अर्थ देखना आप शायद। जी पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शेष धरी सोई पद पंकज जी पूजत अज मम सिर धरे उ कृपालु हरि। भगवान शिव ने उस ब्रह्मा जी ने जो चरण धोए थे, उस धोए हुए जल को आपने निकाला और आपने अपनी जटाओं में उस जल को क्या करके रखा है, धारित करके रखा है। अच्छा आगे देख लीजिए। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरी चरण परी जो अति मन भावा सोबर पावा गए पति लोक आनंद। और भगवान ने उसको क्या बोल दिया, तथास्तु। जाओ अब कहाँ गई, जहाँ उसके पति रहते थे, पति लोग जहाँ उसके पति रहते थे, भगवान ने उसको वहाँ पर बोल दिया। किसके पति, गौतम नारी। और वो भगवान के चरणों में क्या हो गई, लौट गई। कैसे बोलते हैं, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, प्रभु के चरणों में लेट गई अहिल्या। भगवान ने उसको तथास्तु का वर दिया। भगवान ने बोला बहुत दिन तुम दोनों लोग अलग अलग रह लिए, जाओ अभी तुम्हारा वास कहाँ होगा, सबसे पहले पति के लोक में, तो जहाँ जो तुमको अच्छा लगता है वहाँ भेजेंगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाओ तुम, अपने पति के पास में, जिस लोक में। तो क्या बोल रहे, जो अति मन भावा, मिल रहे हैं, जो अति मन भावा सो बरु पावा। बरु पावा मतलब उसको वो बर क्या कर दिया, दे दिया। तथास्तु, कौन सा वर चाहिए था, चरण रति, आत्मरति, और वो आत्मरति इसको दे दी। लेकिन बोलते हैं अभी क्या करो, जाओ कहाँ, पति लोग, जहाँ तुम्हारे पति हैं वहाँ आनंद से रहो। बन गया। लेकिन मैं आपसे शायद दो दिन पहले भी एक सूत्र मैंने बोला था, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। मैंने उदाहरण दिया था विश्वामित्र जी, मिल रहे हैं आपको, याद आ रहा है, मारीची ताड़का और सुबाहु, ये कहाँ रहे, यहाँ रहे ब्रह्मांड में। तो बोलते हैं ये वृत्ति बाहर तो है ही है, एक अंदर भी ये वृत्ति है। बोलते हैं कौन, बोलते हैं जो ताड़का है वो कौन है, दुराशा। मारीच कौन है, दोष आ गया, और सुबाहु कौन है, दुख। तो जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है, तो एक कहानी तो आपने बाहर देखी, लेकिन यही कहानी कहाँ घटित हो रही है, अंदर। बोले तद्वत, इसी तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि में तुलसीदास जी ने बोला ये अहिल्या कौन है, एक अहिल्या तो बाहर है, वो बाहर अहिल्या की बात नहीं कर रहा हूँ, बोले अंदर वाली अहिल्या की बात कर रहा हूँ। बोले ये सूत्र कहाँ मिला,
ये बालकांड में सूत्र मिला। क्या चौपाई है? राम एक तापसतीय नारी, राम एक तापसतीय नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले अहिल्या कौन है? बोलते हैं राम एक तापसतीय नारी। राम ने एक स्त्री को तारा, और वो स्त्री कैसी थी? तपस्वी थी। बोले वो बाहर थी, लेकिन यहाँ पे भी एक स्त्री बैठी है। कहाँ पर? बोले अंदर, तुम्हारे अंदर एक स्त्री बैठी है। ले, हमारे अंदर एक स्त्री बैठी है? बोले हाँ, तुम्हारे अंदर स्त्री बैठी है। बोले वो कौन है? बोले उसका नाम है कुमती। ये क्या नाम है? इसकी दो बहनें हैं, एक सुमति एक कुमति। बोले अहिल्या कौन है? अहिल्या कुमति है। सी, बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हो, अहिल्या कुमति है? बोले यस। तुलसीदास जी ने यही बोला है, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने उस कुमति को सुधारा। कुमति कौन है? बोले अहिल्या। बोले महाराज दो चीजें हैं, एक है कुमति एक है सुमति, इन दोनों में थोड़ा अंतर देख लीजिए। बस यही आखिरी बात कहना चाहूँगा। सुमति क्या है? जो यथार्थ को जान ले वो सुमति है। यथार्थ मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा जान ले। मैं बार बार आपसे भिक्षा में भी कह रहा हूं प्रश्न को, दुष्ट को दुष्ट जानना, वरना आप धोखा खाओगे। दुष्ट को दुष्ट जानना, खल को खल जानना, सांप को सांप जानना, ये ज्ञान है। नहीं बोले तो भोलेनाथ हैं, इनके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, इनको मैं अपने पास रखूंगा, तो आपको जब डस लेगा ना, सब आपकी श्रद्धा निकल जाएगी। जो दुष्ट है वो आपसे दुष्टता का व्यवहार करेगा। तो ज्ञान ये है कि दुष्ट को क्या जानो? दुष्ट जानो, और फिर वैसा व्यवहार करो, उससे दूर रहो। तो जो यथार्थ ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? सुमति। जो चीज जैसी है उसको वैसा न जानकर कुछ अन्यथा जाना, अयथावत जानाति, विपरीतांश जानाति, ये गीता के शब्द हैं। यथावत जानाति, दूसरा ले, तुम तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बता रही थी। तीन टाइप की भाई गीता में बात कही ना, यथावत जानाति, अयथावत जानाति, विपरीतांश जानाति, तीन प्रकार की बुद्धि है। तो जो विपरीतांश जानाति, अयथावत जानाति, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानती है, हो सकता है उल्टा ही जानती हो, ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे? कुमति। बोले जो स्त्री, जो बुद्धि अपने पति को नहीं पहचान पाई, सॉरी, क्या वेश बदलने से आदमी बदल जाता है? इंद्र ने वेश ही तो बदला था, तो तुम वेश बदलने से उसकी अपने पति को नहीं पहचान पाई, इसका मतलब तुमने याथात्म्य दर्शन नहीं किया। जो तुमको दिखता था ऊपर, तुमने उसी को सत्य मान लिया। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, ये तो कुमति थी। अहिल्या असफल रही,
गौतम ऋषि को पहचानने में, और उसने किसको जान लिया, उसने इंद्र को पहचान लिया। इसलिए भगवान बोलते हैं ये तो कुमति है। इसलिए सुमति कौन है जो पहचान ले। मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन मिली, भीष्म की जो बुद्धि है वो सुमति है, भीष्म की जो बुद्धि है ना वो सुमति है। भीष्म ने बोला महाराज अगर मैंने भगवान से हाथ हथियार न उठा लिया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं। भगवान ने शपथ क्या खाई थी तो मैं आपको सुनाता हूं पंक्ति, आज ही हरिजौना शस्त्र गहावाऊं, आज हरि जो न शस्त्र गवाऊं तो लाजो गंगा जननी सुत कहाऊं। मुझे शर्म आएगी कि मैं गंगा का पुत्र हूं यदि मैंने आज भगवान से अस्त्र न उठवा लिया। भगवान अस्त्र लेके दौड़े, विकराल रूप था भगवान का, गुस्से में क्रोध में, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के ऊपर बहुत वाण कर दिया था भीष्म पितामह ने। भगवान लेके दौड़े अस्त्र शस्त्र, भीष्म ने प्रणाम किया, बोले महाराज हमको सब समझ में आ रहा है तुम कौन हो, तुम वही हो द्वारिका, तुम वही वृंदावन बिहारी हो, ये जो तुम्हारा रूप देखकर मैं भ्रमित होने वाला नहीं हूं, मुझे अभी भी पता है कि तुम वही हो। और तो समय नहीं आपको क्या सुनाऊं। हाँ मैं यही कहने वाला, भीष्म स्तुति में क्या बोलते हैं पता है आपको, बड़ा सुंदर एक प्रसंग था ये गुरुजी से सुना था। जब भीष्म का अंतिम समय आया प्रयाण, सब राजा लोग, वैसे भी भगवान को युधिष्ठिर को मोहित कर दिया, युधिष्ठिर को मोहित कर दिया कि युधिष्ठिर क्या बोलता है पता है, मैंने युद्ध किया कि गड़बड़ किया, मुझे तो ये लगता है कि मैंने गलत काम किया। ले पूरा युद्ध हो गया, इतना तमाशा हुआ द्रौपदी के पीछे, आज जब सब शांत हो गया तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं। मैंने आपको पता है इस बुद्धि को मोहित किसने किया था, भगवान ने। तो युधिष्ठिर से क्या बोलते हैं, देखो युधिष्ठिर हमने युद्ध सही किया या नहीं किया इसका फैसला कौन करेगा, एक ही पुरुष है जो फैसला करेगा, वो कौन करेगा, भीष्म। ध्यान रखना भीष्म पितामह के सामने जाने का एक निमित्त ढूंढ लिया, किसको किसको मूर्ख बना के युधिष्ठिर को, बोलते चलो चलते हैं भीष्म पितामह के पास, बोलो चलो, देखो मोहित कर दिया नहीं कर दिया। अब आप सुनना, भीष्म पितामह से जब मिले तो भीष्म पितामह ने बोला महाराज मैं आपसे एक गुप्त बात करना चाहता हूं, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। भगवान कृष्ण के कान खड़े हो गए, क्या क्या गुप्त बात बताना चाहते हैं, बोले मैं विवाह करना चाहता हूं। है जीवन भर आप कुंवारे रहे, ये क्या मरते समय, बोले ना 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 मैं विवाह नहीं करना चाहता, मेरी एक पुत्री है। पुत्री कहां से आ गई आपके, बोले मेरे पास एक पुत्री है सी, बोले ये किसी को नहीं पता मेरे पास एक पुत्री है, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। भगवान असमंजस में फंस गए, बोले किससे करना चाहते हैं, बोले आपसे करना चाहता हूं, ले आप ही वर हैं, जमाई आप ही बन सकते हैं, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा मानो कि कहां है, कौन है पुत्री, बोलते हैं मैंने इतने सालों से उसको स्वच्छ और निर्मल करके रखा है, पवित्र करके रखा है, आज तक मेरी पुत्री कभी भी दूषित नहीं हुई है। बोले वो कहां है, बोले वो मेरी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि का विवाह किसे करना चाहता हूं, आपसे करना चाहता हूं। सी ये है भीष्म की बुद्धि को क्या कहेंगे, सुमति। देखो जी तो हम सब में कौन निवास करता है पता है, कौन, अहिल्या, जो यथार्थ को
क्या यथार्थ नहीं पता कर पाई हम लोग कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म। हम हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, लेकिन हम अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं जानते हैं। तो ये बुद्धि कैसी हुई? हुई कि नहीं हुई कुमति? इसलिए बोलते हैं। बट महापुरुषों ने एक और बात कही, बोले यदि अहिल्या बनना है तो श्राप ले लो, कोई श्राप दे दे तो तर जाओगे। बात तो यही है, अहिल्या को श्राप मिला, उस श्राप के कारण ही वो तर गई। हम लोगों को कोई श्राप भी देने को नहीं तैयार हो रहा है, इतने दुष्ट लोग हैं हम। यदि कोई श्राप दे दे तो भगवान हमारी बुद्धि को क्या कर देंगे? तार देंगे। लेकिन हमारी बुद्धि को श्राप ही नहीं लगा हुआ है। देखो विश्वामित्र जी स्वयं आए हैं, किसको लेकर? प्रभु को लेकर। किससे मिलाने? परमात्मा से मिलाने। जब श्राप लग जाएगा तो गुरु स्वयं हमारे जीवन में आएगा। आखिर राम को लेकर कौन आया? भगवान अकेले तो नहीं आए, विश्वामित्र जी लेके। और हो सकता है विश्वामित्र जी किसी और दिशा से चले जाते मिथिला, जान बूझ करके इस मार्ग पे लेके आए जिस पे इसका आश्रम था। बोले ऐसे ही हम लोगों को भी यदि कोई गुरु मिल जावे तो वो गुरु हमको भगवान से क्या करता है? मिला देता है। जैसे विश्वामित्र जी ने अहिल्या को स्पर्श किसका करा दिया? परमात्मा का। हनुमान जी गुरु रूप में आए और सुग्रीव को मिला दिया किससे? राम से। ये तो गुरु का कार्य है। ऐसे ही जीवन में कोई गुरु होवे जो हमारा हाथ पकड़कर, हाँ जी, किससे मिला दे? भगवान से। तो हमारा जीवन क्या हो जाए? तर जाए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में तोतापुरी ऐसे ही आए थे। रामकृष्ण परमहंस पर दिन प्रतिदिन अपनी उपासना में देवी से कहते थे, देवी आज का दिन भी चला गया, अभी भी कुछ मिला नहीं। आज का दिन फिर चला गया, फिर कुछ नहीं मिला मुझे। ऐसे न जाने कितने दिन चले जा रहे हैं। उसी समय एक महात्मा आया। महात्मा ने कहा तुम बहुत योग्य हो, तुम्हारा अंतःकरण तो बहुत शुद्ध है रामकृष्ण, मैं तुमको वेदांत का ज्ञान दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं लेना है, जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक नहीं लूंगा। ये दौड़कर माँ के पास गए, माँ से बोलते हैं एक महात्मा आया है और वो कहता है कि मैं तुमको वेदांत का ज्ञान दूंगा। माँ कहती मूर्ख कहीं के, उस महात्मा को मैंने ही भेजा है, बड़ा मना के भेजा है तुम्हारे जीवन में, वही तुमको मुझ तक क्या कर देगा? पहुंचा देगा। उस महात्मा को पकड़ो, वो तुम्हारा गुरु है। वो कौन थे? तोतापुरी। और तोतापुरी जी ने ही ब्रह्म ज्ञान किसको दिया? रामकृष्ण परमहंस को। इसलिए कोई विश्वामित्र ही है जो अहिल्या को भगवान से मिला देता है। हमारे जीवन में ऐसा ही कोई विश्वामित्र जैसा कोई गुरु आवे जो हमारी इस कुमति को श्राप दिला दे, और श्राप मिल जाएगा इसी बहाने से गुरु आकर मेरे को क्या कर देंगे? परमात्मा से मिला देंगे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। क्या बात है! तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, ए तुलसीदास, ए तुलसवा, क्यों नहीं जपता भगवान को? क्यों नहीं जपण करता? प्रभु कैसे हैं? कारण रहित दयाल। समझना जरा, दुनिया जो दया करती है वो कब करती है?
बोलिए ना, किसी कारण से। भगवान कैसे? बिना कारण। विनय पत्रिका में एक पद आया, दुनिया के लोग तो कृपा तब करते हैं जब कोई उनका काम कर दो, और प्रभु हमारे ऐसे हैं कि बिना कुछ किए हुए भी हम लोगों पर क्या करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है उसी को उदार कहते हैं। मैं दो पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवत दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरीस को नाही, राम सरीस को नाही, ऐसो को दारे जग माही, ऐसो को दारे जग माही, ऐसो को उदार जग माही। इस दुनिया में कौन ऐसा उदार है जो द्रव्य बिना किसी कारण के लोगों पर क्या हो जाता है? द्रवित होता है। बिनु सेवा जो, लोग तो सेवा करो तो द्रवित होते हैं, भगवान बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसा राम जैसा कोई और नहीं है। वही तुलसीदास जी यहाँ क्या कहते हैं, हस प्रभु दीन बंधु हरी, कारण रहित दयान, तुलसीदास सठ ते भजो छाड़ी कपट जंजा। तुलसीदास जी स्वयं को बोलते हैं मूर्ख कहीं के सठ, भगवान ऐसे हैं कारण रहित दयाल, इसके बावजूद तू कपट और जंजल में फंसा पड़ा है, छोड़ दे ये सब और प्रभु का क्या कर, भजन कर। तुलसीदास सट ते ही भजू छाणी कपट, और भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, गुरुदेव की हमारी कृपा से, अहिल्या प्रसंग यहाँ पर आज विराम लेता है। भगवान की कृपा रही कि हम लोग निर्विघ्न रूप से बड़े भाव से इस प्रसंग को, जो मेरी मति में आ सका यथामति, इस मानस को पढ़ने पर, जो गुरु परंपरा से मुझे प्रकट हो सका वो मैंने आपके सामने रखा है। 2 मिनट भगवान का नाम लेकर फिर इसको समाप्त करते हैं। दोहराइएगा, अरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा। सभी लोग क्या हैं? हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, हरे रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, हरे रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा,
हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।